हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक के मेंटोर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो है, आप लोगों द्वारा पूछी गई कमेंट के थ्रू कुछ क्वेरी थी उसी पे, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दिया जाए। हो सकता है यही सब क्वेरी और भी लोगों की हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी ये सारी चीजें मालूम चले। चलिए पहला कमेंट शुरू करते हैं। एक भाई का कमेंट था कि कैग ऑडिटर होम स्टेट और जीएसटी इंस्पेक्टर अदर स्टेट में कौन सा बेहतर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैग ऑडिटर की। कैग ऑडिटर एक अपने सर्विस के शुरू से ज्वाइनिंग से 2 साल होते ही वो एसएस एग्जाम देने के पात्र हो जाते हैं। सबॉर्डिनेट ऑडिट सर्विस होता है एसएस का, तो वहां से आप 2 साल बाद आप एसएस एग्जाम देने के कब पात्र हो जाते हैं। और अगर आप जैसे ही एसएस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, मतलब क्लियर करते हैं, तो आप डबल ए बन जाते हैं, जिसका ग्रेड पे हो जाता है 4800। और नहीं तो आप शुरू से जब सर्विस शुरू करते हैं उसके 2.5 से 3 साल में आपका प्रमोशन भी हो जाता है सीनियर ऑडिटर में, तो वहां भी आपके ग्रेड पे 4200 हो जाता है। तो एक 4200 ग्रेड पे हो गया आपका तुरंत 2.5 से 3 साल में होम स्टेट में। वहीं अब बात करें हम जीएसटी इंस्पेक्टर की, तो जीएसटी इंस्पेक्टर का पहले जो प्रमोशन था वो अब हो गया है। पहले एक जीएसटी इंस्पेक्टर का प्रमोशन था 8 साल में, 8 साल में वो सुपरिटेंडेंट बनता था, लेकिन अब हो गया है 2 साल का दिया गया है। एक जीएसटी इंस्पेक्टर अपने 2 साल सर्विस के बाद वो सुपरिटेंडेंट में प्रमोट किया जा सकता है। ये क्वालिफाइंग पीरियड है, जैसे सीट आगे खाली होती है तो वो प्रमोट किया जा सकता है सुपरिटेंडेंट में, और उसके बाद वो एससी बनेंगे, उसके बाद डीसी, ऐसे ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पे दोनों पक्ष मैंने बता दिया। अब बात यह है कि अगर आपको घर पे नौकरी करना है तो आप घर पे हैं अपने, आपको 3 साल में 2.5-3 साल में सीनियर ऑडिटर बन गए, और वहां से अगर आप एसएस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप 4800 आपका ग्रेड पे हो जाता है। तो ये हुआ इसका कैग ऑडिटर का। और अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हैं तो वहां से आप 2 साल बाद सुपरिटेंडेंट बन जाइएगा, 2 साल बाद नौकरी के 3-4 साल में, जैसे ही सीट खाली होता है। लेकिन वो है आप अदर स्टेट में, और अदर स्टेट में जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, तो उन महंगे शहरों में कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा ज्यादा है छोटे छोटे शहरों के मुकाबले। और अगर आप चाहते हैं कि होम स्टेट आप नौकरी करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है कैग ऑडिटर। आप कैग ऑडिटर ले लीजिए और होम स्टेट में आपके लिए बेहतर है। अब हम बात करते हैं, अगला एक भाई का कमेंट था कि जीएसटी इंस्पेक्टर में जिसका आंख का पावर जो है ज्यादा है तो उन्हें क्या मेडिकल में दिक्कत होगा। तो जवाब था नहीं। देखिए सबसे पहले तो एसएससी सीजीएल जो है वो किसी के मेडिकल नहीं लेता, वो केवल फिजिकल टेस्ट लेता है जीएसटी इंस्पेक्टर लोगों का, और प्रिवेंटिव ऑफिसर का भी, केवल उनका फिजिकल टेस्ट होता है एसएससी सीजीएल जो करता है। और मेडिकल का जो है आपका सर्टिफिकेट वो आपके जिले के किसी सरकारी अस्पताल से बन के आता है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होता। दिक्कत आपको केवल होगा अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, तो वहां पे अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको जीएसटी इंस्पेक्टर से छांट दिया जाएगा सारा एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी, कोई पोस्ट आपको नहीं दिया जाएगा वहां से। तो ये था, आपको मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप देख लीजिए कि आपका कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। तो ये हो गया एक कमेंट। और एक भाई का क्या कमेंट था कि क्या जीएसटी इंस्पेक्टर दाढ़ी रख सकता है। तो हाँ, एक जीएसटी इंस्पेक्टर दाढ़ी रख सकता है बिल्कुल, कहीं भी ये मतलब मना नहीं है कि आप दाढ़ी ना रखिए, दाढ़ी आप रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि साधु बनकर रहिए, वैसा नहीं है, आप दाढ़ी रख सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं किसी किसी जहां पे आप नौकरी कर रहे हैं जिस जगह पे, वहां पे आपके सीनियर कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि थोड़ा दाढ़ी सेव करके आओ या फिर ऐसे,
तो वो सब आपके सीनियर्स पर निर्भर करता है, वो कैसे आपसे रहते हैं। और वैसा कुछ नहीं है कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते और क्या कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल दाढ़ी रख सकते हैं। तो ये थी कुछ कमेंट्स जो आप लोगों द्वारा पूछी गई थी, मैंने सोचा इसे वीडियो के माध्यम से बता दूं। तो वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।